का दिन। सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी, डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। याक। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज, इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुरे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघल कर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिक सो गए। डैडी पिक को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज, जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। क्लोई का कठपुतली का खेल। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे। डैडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये ऐसे पेपा,
जॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। ठीक है डैडी। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुंच गए हैं। हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? अंकल पिग डैडी पिग के भाई हैं। क्लोई पिग पेपा और जॉर्ज की बहन है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमारे लिए रुको। ये है मेरा नया कठपुतली यानी पपेट थिएटर, मेरे डैडी ने मेरे लिए बनाया है। वाह। मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग। और ये है मेरे डैडी अंकल पिग। हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। लंच तैयार है। आ रहे हैं। खाने के बाद हम सबको पपेट शो दिखाएंगे। हुर्रे! आंटी पिग ने खाने में नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स। तुम दोनों भाई भाई हो, ये पता चल रहा है। हर चीज में एक जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बिल्कुल अलग हैं। पेपा, जॉर्ज और मैं सबको एक पपेट शो दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तैयारी हो जाए तो बताना। बाद में मिलते हैं। पपेट शो, मजा आएगा। क्या और नूडल्स खाने के लिए वक्त है? क्या मैं भी खा सकता हूँ? पपेट शो शुरू होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है क्लोई। और मैं हूँ पेपा। एक डायनासोर। डरावना डायनासोर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। मैं हूँ अंकल पिग। हेलो अंकल पिग। हेलो पापा। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया। मुझे मेरा लंच पसंद आया। अंकल पिग, क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खर्राटे मारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? डैडी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खर्राटे मारते हैं, ऐसे। तुम्हारे डैडी सही कहते हैं, मैं सचमुच खर्राटे मारता हूँ। डैडी पिग, आपको अंकल पिग के बारे में ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे। डैडी पिग और अंकल पिग सो गए हैं। पता चल रहा है दोनों भाई भाई हैं। क्या हुआ? ये क्या, पपेट शो अभी तक शुरू नहीं हुआ? पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने कितना आसान है। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था,
लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग, और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है डैडी। माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी भी थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी, अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। म्यूजियम। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है। वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो, डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे।
पापा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। ये है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पापा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पापा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मम्मी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पापा खुद को रानी समझ रही है। यम्मी। क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पापा? हाँ, और केक प्लीज। अभी लाकर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पापा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पापा, वो बहुत ही बड़ा है। वाह! ये असली डायनासोर की हड्डियाँ है। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर आ गया! बचाओ, बचाओ! डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स हैं। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओह हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। आज है पैनकेक्स का दिन। पैनकेक्स, यम्मी, अरे वाह! मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मम्मी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पापा। पापा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है। जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना। मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। वाह! उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग।
जब अपना पैनकेक उछालोगे ना तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। अभी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रही मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करें? ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक दो तीन कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया, अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है डालो। एक दो और तीन। यम्मी पैनकेक। बेस्ट फ्रेंड। पेपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। हेलो सूजी। हेलो पेपा। सूजी शीप पेपा के साथ खेलने के लिए आई है। पेपा को सूजी पसंद है, सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक कर बताओ।
जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? जॉर्ज। पापा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है, और जॉर्ज को भी। पापा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओ डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी पिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है, जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा, क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ, ये जॉर्ज के लिए है, ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। Hiccups. पापा, जॉर्ज, मम्मी और डैडी नाश्ता कर रहे हैं। ये एक प्यारा सा सुहाना दिन है। पापा और जॉर्ज गार्डन में खेलने के लिए जाना चाहते हैं। मम्मी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? तुम अपना नाश्ता खत्म करके बाहर खेलने जा सकते हो। जॉर्ज, अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो। जॉर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिचकियां लग गई हैं। क्या अब हम जा सकते हैं मम्मी? नहीं, जॉर्ज को हिचकी आ रही हैं। लेकिन जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गई मम्मी, हो गई है ना जॉर्ज? ठीक है, तुम बाहर खेलने जा सकती हो, लेकिन जॉर्ज का ध्यान रखना। पापा और जॉर्ज को गार्डन में खेलना पसंद है। जॉर्ज, मैं बॉल फेंकने वाली हूँ, फिर तुम उसे पकड़ना, ठीक है? जॉर्ज, हिचकियां लेना बंद करो। जॉर्ज, अब तुम बॉल मेरी तरफ फेंको, मैं उसे पकड़ूंगी। जॉर्ज। ओह डियर, जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है। जॉर्ज, मैं जानती हूँ हिचकियां कैसे ठीक करनी है, तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो। बढ़िया, अब तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई। पापा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया। जॉर्ज, ये तुमने बिल्कुल गलत किया। मुझे हिचकियां ठीक करने का अच्छा तरीका आता है। पहले एक टांग पर 3 बार ऊपर नीचे कूदो। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे, और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब
आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया। जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज। बीमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। याद रखना, ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा, तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गईं। डैडी पिग जूस के 2 गिलास लेकर आते हैं। जॉर्ज, इस तरह पियोगे तो फिर से हिचकियां लग जाएंगी। मैं उतनी छोटी नहीं हूँ जितना जॉर्ज। मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। ओ। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में 4 चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। 1, 2, 3, 4। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर, लिस्ट की 1 चीज मिल गई है। अब लिस्ट में 2री चीज क्या है? नूडल्स। डूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। डूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स, देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। 1, 2, 3, 4। प्याज। शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ
पर। वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पापा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पापा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। क्या चीज़? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है डैडी, आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पापा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो? जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने हैं। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पापा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है।
जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं, ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। पिकनिक। ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डैडी पिग पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं। पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेड। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक। ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक कहाँ है? सब तैयार? तैयार। तो फिर चलो। ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है। उले! आ, बाहर अच्छा लगता है। हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए। मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ, और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए, उनका पेट बहुत बड़ा है। पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूंगा, चाहे कोई और करे ना करे। चलो खाते हैं। अच्छा आइडिया है मम्मी पिग, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग। बाद में। देखो, वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी, क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा, वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू। चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ। बचाओ, इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए, हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ, मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो।
तुम्हारा स्वागत है। हो घर जाने का समय हो गया, बतखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बतख, तुमसे फिर मिलेंगे। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं। दादी पिक, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिक, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिक का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पे। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो। मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। भुत्तू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिक की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। द केक
टूथ फेरी। पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है, ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा, इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? हाँ टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज क्या तुमने कुछ सुना? ओ जॉर्ज। ओ ये आवाज तो जॉर्ज के खराटों की है, वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा, गुड नाइट। पापा जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? हाँ शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। पॉली पैरेट। पेपा और उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ, हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट, क्या बता सकते हो वो क्या है?
डायनासोर? अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो। आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पेपा, जॉर्ज, यह है हमारा पेट पैरेट। इसका नाम है प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरेट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ। हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरेट है। कितना प्यारा सा पैरेट है। आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरेट है। हाँ ग्रैनी। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। क्या कहूँ? ओहो। आज पेपा का बर्थडे है और सुबह हो चुकी है। आज मेरा बर्थडे है। जॉर्ज, उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी। मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा।
क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस, मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा, मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओ डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। हो, 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 किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। बुद्बाजाओ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। यप्पी। पेपा के दोस्त आ गए, कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्त। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। डैडी पिग जादू का शो करने वाले हैं। पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुत ही अद्भुत जादूगर। जी डैडी। दोस्तों, पेश करती हूँ जादूगर डैडी। ये रही मेरी पहली ट्रिक, अब्राकाडाब्रा। वाओ, ये तो टेडी है। मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। मुझे एक ही चाहिए। प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया, चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ। सूजी शीप। देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ठीक है, जब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे बिना बताए एक चुनना होगा। ठीक है। क्या तुमने एक चुन ली? हाँ। आबरा का डाबरा, तुमने चुनी पीली। नहीं। आबरा का डाबरा नीली। नहीं। आबरा का डाबरा लाल। हाँ, सही जवाब। बुद्धू जादूगर डैडी, आपने तीनों रंग बता दिए। पेपा, किसी को बताना नहीं। क्या एक और जादू देखना चाहो? हाँ, प्लीज। अब अपनी आंखें बंद करो, देखना नहीं है। अब जादुई शब्द बोलो, अब्राकाडाब्रा। अब अपनी आंखें खोल दो। हुर्रे, मेरा बर्थडे केक। मोमबत्तियां बुझाओ पेपा। सभी को थैंक यू, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। मम्मी पिग का बर्थडे। आज मम्मी पिग का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओह नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा।
हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग। मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना। हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह, अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। 1, 2, 3 अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो। गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहनकर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? 2 टिकट्स आज रात के फिल्म के। चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है। लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। Ha 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 ha